हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो हम वेल्डिंग जॉइंट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, तो हम वेल्डिंग जॉइंट टॉपिक से एक सब टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है टर्म्स रिलेटेड टू वेल्डेड जॉइंट, यानी कि वेल्डेड जॉइंट से रिलेटेड हम इस टॉपिक में कुछ टर्म्स सीखेंगे। और वेल्डेड जॉइंट में भी हम फिलेट जॉइंट की यानी कि फिलेट वेल्ड की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फिलेट जॉइंट्स क्या होते हैं और इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है। तो फिलेट जॉइंट्स बेसिकली वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ हमें दो प्लेट्स को आपस में जॉइंट करना होता है वेल्डिंग जॉइंट से। तो फिलेट जॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसे टी जॉइंट में यूज़ करते हैं। कॉर्नर जॉइंट्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे भी हमें फिलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। और जो फिलेट जॉइंट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जैसे आपके लेंसेज होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वैसे ही फिलेट जॉइंट्स की भी शेप होती हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया है। यहाँ पे हमने दो प्लेट्स को आपस में टी जॉइंट से जोड़ा है। टी जॉइंट्स में आप देख रहे होंगे कि इसके जो एक एज है, यहाँ पे हमने आपको एक फिलेट जॉइंट दिखाया है और इस फिलेट जॉइंट को हम कहते हैं सिंगल पास फिलेट, यानी कि सिंगल पास फिलेट यानी कि सिंगल फिलेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर हम इसके सेकेंड कॉर्नर पर देखें, इसी टी वेल्ड जो हम कर रहे हैं उसके सेकंड कॉर्नर पे देखें, तो यहाँ पे हमें जो वेल्डिंग बीड है वो एक से ज़्यादा दिख रही है। जहाँ हमारा सिंगल पास फिलेट था वहाँ पे हमें सिर्फ बीड एक दिख रही थी। वेल्डिंग में बीड किसे कहते हैं, आई होप कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के बाद जो ऊपर सरफेस बन जाती है उसे हम कहते हैं बीड। तो दूसरे कॉर्नर पर आपको बीड एक से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो एक से ज़्यादा अगर बीड है तो इसे हम कहेंगे मल्टी पास फिलेट। आई होप कि अब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर सिंगल बीड आपको दिखाई दे रही है तो वह है सिंगल पास फिलेट, और अगर बीड एक से ज़्यादा है तो वो है मल्टी पास फिलेट। अब अगर हम इसी को जो हमने सिंगल पास फिलेट लिया है इसको बड़ा करके देखें, तो इसका डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ये हमने आपको इसको बड़ा करके यानी कि आप कह सकते हैं जूम करके आपको दिखाया है कि इसमें क्या क्या होता है। और अब हम ये समझेंगे कि इसमें जो टर्म्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, यानी कि इसमें जितने भी हमारे टर्म्स यूज़ होते हैं एक फिलेट जॉइंट में वो क्या होते हैं और उनके क्या क्या नेम्स होते हैं। तो इसकी नेमिंग में हम स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग फेस से कि वेल्ड फेस किसे कहते हैं। जो मैंने आपको बताया बीड होती है वही होता है वेल्ड फेस, यानी कि वेल्डिंग करने के बाद जो उसके ऊपर का सरफेस बन जाता है, जो फेस बन जाता है, उसको हम कहते हैं वेल्ड फेस। सेकेंडली हम बात करेंगे लेग लेंथ क्या होती है। तो लेग लेंथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने प्लेट के तीन पॉइंट लिए हैं इस प्लेट पर, ए सी एंड बी, तो ए से सी तक का डिस्टेंस और सी से बी तक का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं लेग लेंथ। यहाँ मैंने आपको सी से बी तक का दिखाया है, यानी कि सिर्फ आपको एक डिस्टेंस दिखाया है, बट ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जितना जितना डिस्टेंस कवर किया है हमारी वेल्डिंग ने उसको लेते हैं हम। ए से सी तक जितना डिस्टेंस कवर किया है वो लेग लेंथ है, और सी से बी तक जितना स्पेस कवर किया है वो है लेग लेंथ। तो इन दोनों को हम कहते हैं लेग लेंथ। देन हम बात करेंगे रूट, रूट किसे कहते हैं। रूट हम कहेंगे सी पॉइंट को, सी पॉइंट जहाँ हमें मिल रहा है उसे हम कहेंगे रूट। रूट क्या होती है, जड़, तो वही है यहाँ पे जो हमारा रूट है वो इस पूरे डायग्राम में वो है सी। तो यहाँ से हमें रूट पता चल गया। अब हम तीन चीज़ें जान चुके हैं, वेल्ड फेस, लेग लेंथ एंड रूट। अब हम बात करेंगे थ्रॉट थिकनेस क्या होती है। तो थ्रॉट थिकनेस जानने के लिए हमें ए बी पर सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना होगा डी। तो ए से बी तक, ए से बी तक जो बीच में हमें एक पॉइंट मिला है डी, उस डी से सी तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस आप जान गए होंगे अब क्या है, रूट से डी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। और थ्रॉट थिकनेस के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको थ्रॉट थिकनेस पूछने के लिए आ जाता है। मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन है उसमें हमें थ्रॉट थिकनेस निकालनी होती है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टी इट्स इक्वल टू एस अपॉन अंडर रूट टू। T
टी है यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस, एस है लेग लेंथ और अंडर रूट टू। अब ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, इसे हम अपने डायग्राम में ही समझेंगे। जो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है ए सी बी, ये ट्रायंगल है, और सी यानी कि रूट से हमने ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डी। तो अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल देखेंगे और वो ट्रायंगल होगा ए सी डी। इस ए सी डी से हमें पता चलेगा कि ये थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ए सी डी है इसका एक अलग से डायग्राम बना लेंगे। तो इस डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा कि एस क्या है और टी क्या है। टी है यहाँ पे थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस है यहाँ पे टी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमने ए सी बी देखा था ये 90 डिग्री पे था। तो जो हम ए पॉइंट देखेंगे, ए पॉइंट बी से जो एंगल बना रहा है वो है 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री में हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 45 इट्स इक्वल टू जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस होता है हमारा वो। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया है, साइन 45 इट्स इक्वल टू टी अपॉन एस। टी हमारा लंब है और एस है कर्ण, तो इसे हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो हम यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू लिख देंगे। और अगर हम यहाँ से टी निकालना है, क्योंकि हम थ्रॉट थिकनेस की बात कर रहे हैं तो हमें वो डिफाइन करनी है, तो जो एस है डिवाइड में उसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे, जिससे हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा टी इट्स इक्वल टू एस बाय √2। सो आई होप कि अब आपको ये भी पता चल चुका होगा कि थ्रॉट थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाता है। तो यही थे फिलेट वेल्ड में जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं उनके नाम और उनके फॉर्मूलेज। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब काम आएगा। आपको थ्रॉट थिकनेस पूछा जाएगा, साइज़ पूछा जाएगा कि साइज़ क्या होता है, लेग लेंथ क्या होता है, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ आपको कोई भी डायग्राम ज़रूरी नहीं है गिवन हो, वहाँ आपको इन्हीं नेमिंग के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल दिया जाएगा। तो आपको इसी से समझना होगा कि आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सो आई होप कि आपको अभी समझ आ गया होगा। अब अगर इसके यूजेस की बात करें कि इसे यूज़ कहाँ किया जाता है फिलेट जॉइंट को, तो फिलेट जॉइंट यूज़ होते हैं टी जॉइंट में, लैप जॉइंट में एंड कॉर्नर जॉइंट्स में एंड एक्सेट्रा। यानी कि काफ़ी जगह फिलेट जॉइंट यूज़ होते हैं, बट जो हमारे पॉपुलर हैं, जो हम नॉर्मली देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो वो यही हैं, ये आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे फिलेट जॉइंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए ये हेल्पफुल रहे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।